भाई साहब, ये नई चीज पता लगी है कि नेपाल में इंडिया का झंडा अलाउड नहीं है। तो सोच रहे थे कि अपना झंडा लेके जाएंगे, नेपाल का भी लगाएंगे, एक साइड अपना लगाएंगे। अब आप कह रहे हो कि निकलवा देते हैं तो कोई फायदा नहीं, अपमान करना झंडे का, उससे अच्छा ले ही ना। अयोध्या से आप सभी लोगों को जय श्री राम दोस्तों। क्या तो यहाँ पे ना हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए। तो भाई कल रात को ना हमने इसी जगह पे कैंप किया था और मैंने अपना कैंप हम सब सेटअप कर लिया, क्योंकि ना आज ज़्यादा टाइम नहीं है, आज सीधा नेपाल पहुँचना है और फिर आज की रात ना हम लोग पोखरा में रुकेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ गया, कोई वीडियो वगैरह भी एडिट नहीं करी है अभी। मैं कल रात को ना यहाँ एक रेस्टोरेंट भी रुका था, घर से जब निकल रहा था ना मम्मी ने कुछ गुजिया दे दी थी कि गुजिया ले जा रास्ते में काम आएंगी, तो भाई अब काम आ रही है। तो चल भाई साहब, एक काम करते हैं, इसका ना पॉल्यूशन करवा लेते हैं, क्योंकि इसका पॉल्यूशन खत्म हो चुका है। वैसे तो नेपाल में इसके पॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ भी सकती है, करवा ही लेते हैं। आरसी चाहिए, बिना आरसी हो जाएगा। तो भाई 9:20 हो चुके हैं। तो भाई जी, हम लोग टोल पे पहुंच चुके हैं, आगरा वाला टोल है। अभी तक हम नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे पे चल रहे थे, अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चढ़ेंगे यहाँ से। टोल के पास में एक बहुत मेरा ना फेवरेट एक ढाबा है भाई, ये वाला सामने ढाबा है जिसकी मैं बात कर रहा था ना। भाई साहब, हमारा ना खाना हो चुका है और यहाँ पे ना भाई साहब ऐसे चूल्हे वाली रोटी मिलती है। और थाली का रेट क्या है यहाँ पे? 100 रुपए। ये घी की सब्जी है, ये दाल है, ये कढ़ी है, और ये इनका रहता है भाई मिर्च वाला रहता, इसको देख के मुँह में पानी आ जाता है। भाई साहब ने देखो दही का पतीला ही ला के रख दिया। ओके भैया जी, फिर मिलते हैं। तो भाई जी, हमारा खाना पीना हो चुका है, खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, और वहाँ पे ना भाई नहाने वाने का भी जुगाड़ था, लेकिन अभी क्या ना, अगर मैं नहाने लगता तो मेरे को आधा घंटा और लगता वहाँ पे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, मेरे को आज पोखरा पहुँचना है। टोल कितने किलोमीटर का है? 302 किलोमीटर। और इसके कितना लगता है? 330 रुपये। भाई ये वाला जो टाइम है ना राइड करने का दोपहर के टाइम, भाई ये टाइम ना बड़ा गंदा टाइम है, क्योंकि इस टाइम में ना बहुत नींद आती है मुझे, रात को भी ड्राइव करने में नींद नहीं आती, सुबह भी ड्राइव करो ना नींद नहीं आती, लेकिन जब ये धूप पड़ती है ना अपने बदन पे और उसके बाद तुम बाइक पर राइड कर रहे हो, पता नहीं क्या अजीब सा ही होता है यार, नींद आने लगती है। और मैंने ऊपर से खाना भी खा लिया, 3 रोटी दबा के, और खाना कितना टेस्टी मिल गया था, ऊपर से मैंने चाय पी ली। नींद तो नहीं आ रही है मेरे को, लेकिन अगर नींद आएगी तो भाई मैं नींद आने से पहले मैं रुक जाऊंगा। भाई जी, मैंने अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में था, रुका था थोड़ी देर क्योंकि था बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यार, थोड़ी देर रुका मैं, आराम करते हैं और सुस्ता लेते हैं। तो यहाँ पे ना हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए और इन्होंने मेरे को देखते ही पहचानने कह रहे कि मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, और अच्छा मिलते रहा करो यार, अगर मैं आपको कहीं मिल रहा हूँ रास्ते में तो आ जाए करो फोटो वोटो खिंचाने के लिए, अच्छा लगता है। अयोध्या मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली बार अयोध्या जा रहा हूँ। पहली बार जा रहे हो? रामलला के दर्शन करने? नहीं, एक्चुअली मेरे नसीब में पहले आप थे, फिर उधर अयोध्या जी15 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पे रुके रुके, आप चलने का वक्त आगे, काम करते हैं अपनी ना पानी की बोतल रिफिल कर लेते हैं, अंदर ना वाटर कूलर लगा हुआ, ठंडा ठंडा पानी भर लेते, थोड़ा मुंह वगैरह धोते, उसके बाद थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाएगा, थोड़ा लंबा हम लोग चल पाएंगे। दिल्ली से देखो पर्ची पता लगेगा। जी हम लोग ना लखनऊ पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट मैंने ना जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे वो क्रॉस किया, क्रॉस करके लखनऊ पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ से अभी मेरे को वैसे सनौली जाना है, सनौली लगभग 350 किलोमीटर है यहाँ से, अभी कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, 5 ऑलरेडी बज चुके हैं, तो मेरे को लग रहा है कि आज तो नहीं पहुँच पाऊँगा मैं पोखरा। भाई साहब मेरे को ना काफ़ी देर से ना नींबू पानी की बहुत ज़्यादा तलब लग रही थी, बहुत ज़्यादा, अब जाके मिला है।
भाई साहब मैं ना अयोध्या के अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाहर तो निकल जाता ना, मेरे को कहीं पे भी ना कैंपिंग के लिए कोई लोकेशन नहीं मिलती, और मुझे नहीं लगता कि मैं ना यहाँ कहीं कैंपिंग कर पाऊंगा यार, क्योंकि यहाँ पे वैसे इतनी सिक्योरिटी रहती है। यहाँ इस तरफ मेंटेनेंस काफी अच्छी कर रखी है यार। हमको ना कैंपिंग के लिए जगह वैसे मिल चुकी है, कई सारी जगह है यहाँ पे कैंपिंग के लिए। ये भाई यहाँ का सबसे फेमस चौक है भाई साहब, ये वाला बाबा सिर यहाँ भी आ गया। ये देखो, खड़े हो जाओ और वीडियो बनती रहेगी। सिर्फ पार्किंग है, हाँ, पार्किंग है। थैंक यू। सब बाइक मैंने ना यहाँ पे पार्क लगा दी है, और मेरे को ना यार कैंपिंग करना, आज मेरा ना कैंपिंग करने का मन है, और किसी अच्छी सी लोकेशन में। मेरे को वैसे ना एक लोकेशन मिल रही है जो कि मेन चौक है ना, जहाँ पे भीड़ा रखी रहती है, उस चौक के पास एक पार्क है, वहाँ पे पुलिस वाले कह रहे हैं कि यहाँ लगा लो कैंप। हम वहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ना शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ नदी के किनारे कहीं मिल जाए ना लोकेशन पार्क टेंट लगाने का, तो वहाँ लगा लूँ। मैंने अपना सारा वारा सामान उतार लिया, गाड़ी ना पार्किंग पर लगा दी है, और ये हमारे पार्किंग वाले भाई हैं। कैसे भाई लोग? वैसे भैया कह रहे थे ना कि यहाँ लगा लो कैंप, यहाँ भी लगा सकते हो, कि मेरे को यार थोड़ा सा ना थोड़ी वाइब लेनी थी ना अयोध्या वाली, तो मैं घाट पे जा रहा हूँ, मैं घाट पे लगाऊंगा टेंट। यहाँ पे दो घाट है, एक तो वो जहाँ पे लेजर शो होता है वो वाला है, एक तो जो मेन गदी वाला है, मेन नदी वाला है, तो मैं राम पैड़ी पे जा रहा हूँ, जो जहाँ पे लेजर शो होता है ना उस वाले घाट पे कैंप करेंगे। ठीक है भाई जी, हमारी गाड़ी का ध्यान रखना अपनी समझ के। मिलते हैं फिर सुबह आपसे, ठीक है? बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई खाना वगैरह खा लिया और गाड़ी मैंने पार्क पे लगा दी है, अब ना चल रहे हैं भाई साहब सोने के लिए, बहुत टाइम हो चुका है, और कल ना अर्ली मॉर्निंग निकलना है भाई, कल तो पोखरा पहुंचना है, और कल पोखरा क्या यार, कल ना मैं मनांग के लिए भी निकल जाऊंगा यार, मतलब पोखरा में कल रुकूंगा नहीं मैं, पोखरा पहुंचते ही सीधा परमिशन लेंगे और मनांग के लिए निकलेंगे। और मेरे पीछे का व्यू देखो क्या शानदार लग रहा है। She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. तो भाई सब खाना वगैरह खा लिया है, गाड़ी अपनी पार्किंग पे लगा दी है, अब चलते हैं सोने के लिए, और एक अच्छी सी लोकेशन मेरे को मिल गई है कैंप लगाने के लिए। पहले तो ना मैं नीचे सोच रहा था कि नीचे कैंप करूं, लेकिन दिक्कत क्या ना कि अगर मैं थोड़ी देर तक सोया रह गया, वहाँ पे लोग ना नहाने के लिए आते हैं, तो लोगों को दिक्कत होती मेरी वजह से, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे कैंप नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पहले ना वहाँ पे कैंप करने का मन था, अब मैं ना यहाँ पे टेंट लगा रहा हूँ इस जगह पे। यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी आ रही है, और यहाँ पे किसी को दिक्कत भी नहीं होगी मेरी वजह से, तो अपन लोग यहाँ पे जितनी देर तक सो सकते हैं, जितनी देर तक सोना चाहेंगे उतनी देर तक हम यहाँ पे सो सकते हैं। तो यहाँ मैं टेंट लगा लेता हूँ, यहाँ पे मच्छर भी कम है, और यहाँ पे हवा भी अच्छी आ रही है, क्योंकि हाइट पे है ना, पूरी नदी की ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई यहाँ से। और अभी ना 9:30 बज रहे, देख रहे हो, और अभी भी लोग ना भाई यहाँ पानी में खेल रहे हैं, और इसमें यार पानी बहुत ज़्यादा कम है, रेती रेत दिख रही है, पानी तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, पीछे रुका होगा। होता क्या है ना कि वहाँ पे ना डैम टाइप का उन्होंने बना रखा है, सुबह के टाइम पे सुबह सुबह मतलब जब लोग धाने वाने आते हैं उस टाइम पे पानी छोड़ते हैं। चलो भाई काम करते हैं, अपना कैंप पिच करते हैं, बहुत देर होगी, कल ना अर्ली मॉर्निंग निकलना भी हमने, कल किसी भी हालत में भाई साहब हमको मनांग पहुंचना है, तो आज ना इतनी खूबसूरत सी लोकेशन पे मैं कैंप कर रहा हूँ भाई। वैसे मैंने सोचा था कि पता नहीं कहीं कैंप करेंगे, लेकिन भाई साहब सरयू नदी के घाट पे हमको कैंप करने को मिल गया, और मैंने भाई साहब यहाँ पे ना नगर निगम वाले से पूछ लिया है, और पुलिस वाले से भी पूछ लिया, सबने बोल दिया कि यहाँ पर कैंप कर सकते हो खुद। पूछ लो भाई फटाफट से कैंप पिच करते हैं अपना, 2-4 मिनट लगते हैं, कैंप लग जाता है मेरा, उस बार अंदर घुसते और सोते हैं यार, बहुत ज़्यादा थक गया। आज हुआ क्या था ना कि जिस टाइम ना भाई अपना ना कैंप पिच हो चुका है, और मैंने अपना सारा सामान भाई अंदर रख दिया है, और यहाँ पे भाई साहब हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, और सुबह सुबह जब भाई यहाँ पे उजाला होगा ना, 4-5 बजे यहाँ पे आरती भी होती है, और लोग ना सारे नहाने के आने लगते हैं, उस टाइम आपको व्यू दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत होता है। और कुछ मेरा टेंट ना ऐसा दिख रहा है भाई, टेंट हमारा पिच हो गया, सामान सारा अंदर रख लिया, अब चलते अंदर सोने के लिए, चले भाई। और ये हमारे कुछ वृंदावन के भाई लोग हैं, कैसे हो भाई? बढ़िया। और ये भाई के दोस्त हैं, कैसे भाई लोग? The next day.
अयोध्या से आप सभी लोगों को जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो भाई कल की रात ना मेरी यहीं पे राम की पैड़ी के घाट में गुजरी थी और मैंने ना अभी अपना टेंट वगैरह सब पैक कर लिया है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ नेपाल की तरफ। तो आज मैं ना पोखरा पहुँच जाऊँगा और आज ना मेरे को मनांग के लिए भी निकलना है। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो ना घाट, इसको राम की पैड़ी बोलते हैं। अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, आज का दिन स्टार्ट करते हैं और आज का दिन बहुत अच्छी जगह से शुरू हो रहा है हमारे अयोध्या से। भाई हमने तो ब्रेकफास्ट किया नहीं है, शेरा को करा देते हैं अपने। भाई एक चाय कर दो और फ्राइड राइस कर दो। हम लोग अयोध्या से निकले थे और अभी ना मैं गोरखपुर पहुंच चुका हूँ। अयोध्या से गोरखपुर 135 किलोमीटर है और अभी यहाँ से मेरे को पोखरा जाना है। मेरी लोकेशन से 282 किलोमीटर दिखा रहा है तो 4-5-6 घंटे लग ही जाएंगे मेरे को पोखरा पहुँचते। भाई साहब सनोनी लगभग 90 किलोमीटर रह गए यहाँ से। ओए ये मरा हुआ है क्या? तो काफी टाइम से मरा हुआ यार। भाई साहब 3 दिन हो गए नेपाली नहीं पहुंच पा रहे हैं यार। अब ना सीधा गाड़ी सनोली पे ही रुकेगी, सनोली बॉर्डर पे। ओरे शिट, एक्सीडेंट हुआ। ये पैशन प्रो इस गाड़ी के ऊपर चढ़ गई, खून निकल गया क्या? भाई लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है शायद। हम सनोली बॉर्डर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे देखो बॉर्डर से पहले कितने ट्रक खड़े हुए हैं यार। और भाई यहाँ के और नेपाल के तेल में कितना डिफरेंस है रेट पे? मैं कहाँ है, जीरो ये वाला, ठीक है 95। कैश भी विड्रॉल करना है, कैश विड्रॉल हम लोग सनोली से कर लेंगे। सनोली की मार्केट में काफी सारे एटीएम है, मिल जाएंगे और सनोली बॉर्डर पे ही हमारी मनी एक्सचेंज भी हो जाएगी। इस टाइम अभी हम इंटरनेशनल बॉर्डर के एरिया में है और यहाँ पे ना आपको जितने इंडियन दिखाई देंगे उतने नेपाली दिखाई देंगे। नेपाली को ज्यादा आपको यहाँ पे दिखाई देंगे क्योंकि ये मार्केट ना काफी बड़ी मार्केट है। मोस्टली नेपाल से जो बुटवल वाला एरिया है लगभग लोग यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने इधर आते हैं। नेपाल बॉर्डर का गेट आ गया है लेकिन एटीएम नहीं मिला कोई। इधर एटीएम किधर है? एटीएम एटीएम हाँ आगे नहीं है। नेपाल आ जाएगा ना आपको। अच्छा कितना पीछे है? इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में एटीएम लोगों ने वो वाले खोल रखे हैं कि पैसे निकाल के दे देंगे चार्ज लेके। वो वाले सब ने अपनी दुकान के बाहर ना एटीएम लिखा हुआ है। भैया यार एटीएम किधर होगा? इधर मिल गया एटीएम, यहाँ से कुछ पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। मैं सनोली बॉर्डर पहुंच गया था, मतलब इंडिया नेपाल बॉर्डर पे पहुंच गया था और उस मार्केट में भाई एक भी एटीएम नहीं था। एक एटीएम था उसमें पैसे नहीं थे। आपके पास इंडियन फ्लैग होगा बाइक पे लगाने वाला? छोटा चाहिए बाइक, बाइक के लिए। किधर मिलेगा कुछ आइडिया किधर मिलेगा? छोटा सा चाहिए इतना सा। हाँ बात है यार, हम तो सोच रहे थे कि अपना झंडा लेके जाएंगे, नेपाल का भी लगाएंगे, एक साइड अपना लगाएंगे। अब आप कह रहे हो कि निकलवा देते हैं तो कोई फायदा नहीं, अपमान करना झंडे का, उससे अच्छा ले ही ना हम। अच्छा अच्छा उसके लिए अलाउड है। अच्छा वो अलाउड है,
आप लगा के लेके नहीं जा सकते, बॉर्डर जैसे क्रॉस करेंगे झंडा निकलवा देते हैं इंडिया का। यहाँ नहीं क्रॉस है, आगे जो पड़ता है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले। ओके चलो ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। ये नई चीज पता लगी है कि नेपाल में इंडिया का झंडा अलाउड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने निकलवा दिया हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रूल होगा नेपाल में कि भाई झंडा अलाउड नहीं है। भूख लग रही है, अब खाना नेपाल में जाके खाऊंगी, यहीं खा लूं, यहीं खा लेते यार, नेपाल में खाना थोड़ा महंगा मिलेगा। क्या खाएं, क्या खाया जाए, क्या खाया जाए, चलो देखते हैं कुछ अच्छा सा खाते हैं। भाई काम करते हैं, बॉर्डर करेंगे बाद में क्रॉस, पहले ना कुछ खाना खा लेते हैं। और अभी ना मैं एक स्टेशनरी पे गया था वहाँ पे इंडियन फ्लैग लेने के लिए, क्योंकि मेरे को लगाना था एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ नेपाल का फ्लैग, एक तरफ इंडिया का फ्लैग, उसके बाद हम लोग नेपाल एक्सप्लोर करते। लेकिन जिस स्टेशनरी पे मैं गया था ना फ्लैग लेने के लिए, वो लोग मेरे को कह रहे कि इंडिया का फ्लैग नेपाल में ये लोग ना निकलवा देते हैं, नेपाल वाले ट्रैफिक पुलिस वाले अलाउड नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि निकलवा ही देंगे तो फिर लेके क्या जाना, और उनके पास ना फ्लैग था भी नहीं अच्छी क्वालिटी का, वो पन्नी वाला फ्लैग था, तो मैंने नहीं लिया। देखते हुए भी ट्राई करेंगे, लगाएंगे, अगर निकलवाएंगे तो फिर निकाल देंगे।